उपहार देते हैं और किसी से उपहार हमको मिलता है तो गिफ्ट का यानी जो उपहार का बारे में हमारे मन में क्या सोच आ रहा है कि ये गिफ्ट कितना बड़ा है और इस गिफ्ट का मूल्य कितना होगा और ये गिफ्ट कितना भारी है और कितना हल्का है ये सब सोच हमारे मन में आता है कि नहीं बच्चों ये सब सोच हमारे मन में आता है ठीक है बच्चों तो आज हम इस चैप्टर में ये सब हम पढ़ेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को वंस ऑफन ए टाइम एक बार की बात है राजा जगदीप वांटेड टू मेक ए beautiful carved बेड और हीज राजा जगदीप अपनी रानी के लिए एक सुंदर सा नकाशीदार पलंग बनाने चाहते थे बच्चों ये जो कार्ब का मतलब एकदम नकाशीदार और अच्छा जो दिखने वाला जो डिजाइन पता है कि नहीं पलंग में जो डिजाइन बनाते हैं अच्छा सा उसको क्या बोलते हैं नकाशीदार ठीक है ही, हिज बेस्ट कारपेंटर फ्रॉम द टाउन उसने शहर से अपने सबसे अच्छे बड़े को बुलाया बच्चों बाकी कहानी को इस पिक्चर के माध्यम से दिया गया है तो चलो अब हम इस पिक्चर को देखते हैं फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं बच्चों फर्स्ट पिक्चर में राजा क्या आदेश दे रहे हैं? देखो आई वॉन्ट ए बेड इज मुझे एक पलंग चाहिए जो दस बालिश लंबा होना चाहिए बच्चों पान का मतलब क्या है एक पे ठीक है तो चलो देखते हैंड्स पान हम किसको कहेंगे देखो बच्चों हमारी जो हाथों की थम और लिटिल फिंगर की जो डिस्टेंस यानी इतना जो दूरी है हम इस दूरी को वन हैंड् यानी एक बालिश कहेंगे ठीक है बच्चों ये समझ में आ गया ना हैंडस्पन क्या है राजा ने जब बोले मुझे टेन हैंडस्पन लॉन्ग की कार्बड बेड चाहिए तो ये कारपेंटर ने क्या कहे ओके महाराज ठीक है महाराज जी अब सेकंड पिक्चर को देखते हैं द कारपेंटर स्टार्टेड मेकिंग द बेड कारपेंटर ने क्या किया राजा के कहा मुताबक बेड बनाना स्टार्ट कर दिए टेन हेड्स पर लॉन्ग की ठीक है अब देखो थर्ड पिक्चर में आई एम अनवेल टू फिट देखो बच्चों यहाँ रानी ने बेड पर जब सोई तो क्या पड़ गया बेड छोटा हो गया बेड रानी क्या हो गए लंबा हो गए देखो इधर रानी की पाव बेड की बाहर आ गए ठीक है अभी फोर्थ पिक्चर में देखो ये ऐसा क्यों हुआ राजा ने तो जितना बोले थे उतना ही हैंड्सपन लॉन्ग की बेड बनाया गया था लेकिन रानी कैसे बड़ा हो गई और बेड कैसे छोटा हो गई तो अब देखो फोर्थ पिक्चर में राजा ने फिर से जो मापने लगे तो वन टू थ्री फोर ऐसे करके एट तक हुआ इट इज ओनली एट हैंडस्पन राजा ने जब मापने लगे तो एट हैंडस्पन हो गया तो ये जो कारपेंटर ने देखो यहाँ क्या क्या थोड़ा रोने लग गए अरे ऐसा कैसे हो गया ये सोचने भी लग के देखो ठीक है तो ये जो कारपेंटर के जो हेल्पर थे वो सोचे बट हाउ इज इट इज पॉसिबल लेकिन ये कैसे संभव हुआ माप कर ही बेड बनाया था लेकिन ये कैसे हो गया देखो फिफ्थ पिक्चर को वन टू थ्री फोर फोर्टीन इट इज फोर्टीन हैंड्स बन उसके बाद जब ये जो हेल्पर था कारपेंटर की वो जो मापने लगा तो इसका कितना हो गया बच्चों फोर्टीन हैंड्स पान हो गया तो सब क्या है चकित हो गए यार ऐसा क्यों हो रहा है मैं माप रहा हूँ तो टेन तो, हो रहा है और राजा जी जो माप रहा है तो एट हो रहा है और मेरा हेल्पर जो माप रहा है तो फोर्टीन हो रहा है ठीक है जो फोर्टीन हैंड्स पान हो रहे हैं तो अब देखो सिक्स्थ पिक्चर को ये सब कन्फ्यूज हो गए देखो एवरी वन इंक्लूडिंग द राजा वॉज कन्फ्यूज देखो राजा के साथ सब कंफ्यूज हो गए आई ए सॉल्यूशन फॉर दिस देखो इनका जो मंत्री आए और मंत्री बताए कि मेरा पास एक सॉल्यूशन है गिवन बाय द मंत्री टू सॉल्व द कन्फ्यूजन देखो बच्चों, ये जो कन्फ्यूजन जो सृष्टि हुआ है इसको कैसे हल किया जाएगा देखो बच्चों, कि इस पिक्चर को देखो जो आदमी जितना छोटा होगा उसकी जो हैंड्सपान है वो छोटा ही रहेगा ठीक है और जिसका हाइट जितना बड़ा रहेगा है, उसका हैंड्सपान उतना ही बड़ा रहेगा ये जो आदमी यहाँ खड़े है इनका हैंड्सपन सबसे छोटा है इनका हैंड्सपान सबसे बड़ा अगर आप चाहते हैं ये सही है कि गलत है आपका जो हैंड्सपान है और आपका पप्पा और मम्मी का हैंड्सपान का साथ आप मिलाओगे तो आपका हैंड्सपान क्या होगा छोटा ही होगा तो इसीलिए ये जो मंत्री ने किया कि एक स्टिक यानी एक छड़ी लेकर आई है राजा की जो हैंड्सपान यानी जो बालिस्ती है उसी बालिस्त का हिसाब से ये छड़ी को कट कर दिया जाएगा और इसमें से टेन बालिस्त यानी टेन हैंड्स पान की हमको एक बेड मिल जाएगी ठीक है बच्चों या राजा को मिल जाएगी हमको तो नहीं चाहिए अभी राजा को चाहिए क्योंकि वो रानी को गिफ्ट देना चाहते ठीक है बच्चों अब नेक्स्ट देखते है लेटेस्ट यूज द बुक टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स सब जो नीचे जो दिया गया है ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को मापने के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक के इस्तेमाल करोगे देखो क्या दिया गया है यहाँ डेस्क ब्लैक बोर्ड और विंडो मेज ब्लैक बोर्ड और खिड़की ये दिया गया है देखो हम कैसे इसको मेजर करेंगे चलो एक पिक्चर तुमको तो मैं दिखाता हूँ देखो बच्चों, ये जो टेबल है इस टेबल को देखो कितना पेंसिल रखा गया है? एक दो तीन चार चार पेंसिल में ये जो टेबल का लेंथ आ जाता है यानी एक पेंसिल को हम चार बार ऐसे माप सकते हैं। तो ऐसे ही हमको क्या कर रखना है ये जो मेज पर हम बुक रखेंगे एक बार यहाँ फिर से दो बार फिर से तीन बार इसे चार बार और जितना होगा उतना हम लेकर हम माप सकते हैं और हम अनुमान भी लगा सकते हैं इसके जो टेबल का लंबा कितना बुक होगा ठीक है ये कितना फोर पेंसिल है ऐसे कितना बुक होगा बाकी का भी हम करेंगे तो चलो देखते हैं देखो ये जो डेस्क दिया गया है यहाँ क्या देगा इस्टिमेटेड लेंथ यानी अनुमान करेंगे इसका लंबाई ही इतना बुक होगा और एक्चुअल लेंथ हम जब मापेंगे तब आ जाएगा ठीक है तो चलो हमने एक अनुमान लगाया है और माप कर भी देखा है इतना गेप आ रहा है तो चलो इसको देखते हैं जो मेज था इस मेज को हमने अनुमान लगाया कि तीन बुक का लंबाई जितना ये मेज की लंबाई उतना होगा लेकिन हकीकत में कितना आया ये फोर आ गया ठीक है यानी एक्चुअल में फोर आया ऐसे ही ब्लैक बोर्ड में हम सोचे थे चार में हो जाएगा चार बुक को लंबाई एक ब्लैक बोर्ड की लंबाई के बराबर होगा लेकिन ये सिक्स आ गया ऐसे ही हम जब विंडो में जो मापने लगे क्या हम सोचे ये तीन बुक में आ जाएगा तीन बुक की लंबाई बराबर इस खिड़की का लंबाई होगा लेकिन हम जब मापने लगे तो क्या आया बच्चों टू आ गया ठीक है पहले मैं तुमको जैसे दिखाया था पेंसिल रखकर हम पे थे जो टेबल को अब भी ऐसे ही करना है ठीक है अब चलो नेक्स्ट देखते अस डू आई करे कविता इज गोइंग टू द स्कूल फ्रॉम हर होम कविता अपने घर से स्कूल जा रही है सी इज गेटिंग लेट उसे देर हो रही है विच पाथ शुड सी यूज टू रीच द स्कूल फास्ट स्कूल तक जल्दी पहुंचने के लिए उसे कौन से रास्ता अपनाना चाहिए मार्क इट इन द पिक्चर गिवेन बिलो दिए गई चित्र में उसको चिन्हित कीजिए देखो बच्चों कविता ने स्कूल जा रही है लेकिन स्कूल जाने में उसको लेट हो रही है वो अपने घर से जब निकलता है तो स्कूल पहुंचने में देर हो जाता है क्योंकि अपने घर से बहुत सारे रास्ते हैं जाने के लिए हमको ऐसे रास्ता चुनना है जिस रास्ते में से कविता जाएगी तो जल्दी स्कूल पहुंच जाएगी देखो बच्चों रास्ता जितना छोटा होगा हम उतना जल्दी ही जाएंगे ठीक है तो देखो बच्चों यह कौन सा रास्ता होगा जो सबसे छोटा है ये सबसे छोटा रास्ता है बाकी कहीं रास्ते में भी कविता जाएगी तो उसको लेट ही हो जाएगा क्योंकि ये सबसे छोटा रास्ता है बाकी सब रास्ता इस रास्ते से बड़े है यानी लंबा है ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं चूज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी देखो बच्चों ये टू तो बी को जाने के लिए यानी ए से बी को जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है देखो बच्चों बच्चों यहाँ एक स्क्वायर शेप में दिया गया है हमको देखो हम कितना बार गए हैं देखो ये एक दो तीन चार पाँच छ ये कितना है वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये कितना आया एट ये कितना आया बच्चों ये सिक्स है और ये कितना आया बच्चों ये एट आया और ये कितना है बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये कितना है बच्चों ये टेन है हमें ए से बी को जाने के लिए ये सबसे छोटा है ठीक है छोटा रास्ता है अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी ब्लॉक्स कितने ब्लॉक है देखो बच्चों ये दोनों बच्चे ये सब बच्चे क्या है ये खिलौना है एक मक्खी कैमल एलिफेंट और जिराफ और यहाँ ये यह ब्लॉक है देखो ये आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं यहाँ मी स्टैक द ब्लॉक्स मुझे ब्लॉकों की डेंट लगाने दीजिए ये लड़की बोल रही है एंड फाइंड द हाइट ऑफ माय टॉयस और अपने खिलौने की ऊंचाई पता करने दीजिए देखो बच्चों ये लड़की क्या बोल रही है मैं मुझे ब्लॉक की ढेर लगाने दीजिए और खिलौने की ऊंचाई पता करने तो चलो देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ कितना ब्लॉक्स है बच्चों? टेन ब्लॉक है फिल इन ब्लॉक्स जिराफ इज ब्लॉक तो है डेस इज सेवन ब्लॉक टाल सेवन ब्लॉक तक तो कौन है बच्चों ये कैमल है और द मंकी इज डेस ब्लॉक टाल देखो मंकी कितना ब्लॉक तक तो है टू ब्लॉक टू तक तो है और देखो फाइव ब्लॉक टाल देखो बच्चों ये फाइव ब्लॉक तक कौन सी जानवर की टॉय लंबा है बच्चों देखो ये हाथी का होगा देखो हाथी तो सिक्स तक है लेकिन ये नीचे एक ब्लॉक पर खड़ी है तो इसीलिए क्या होगा ऊपर से एक ब्लॉक हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा पांच तक तो आ जाएगा कि नहीं यानी फाइव ब्लॉक तक तो आ जाएगा कि नहीं तो क्या होगा यहाँ एलिफेंट होगा तो चलो इसको हम भरते हैं अभी

5 वे तक यहाँ तक होगा कि क्योंकि ये एक ब्लॉक पर खड़ा है ठीक है तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं लेट अस डू आई करें हाउ लॉन्ग इज योर हैंड आपका हाथ कितना लंबा है ट्रेस योर हैंड इन द स्पेस गिवन बिलो एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइन नीचे दिए गई स्थान पर अपना हाथ रखे और रेखाओं की संख्या गिने बच्चों यहाँ आप आपके जो हाथ है हाथ के एक नक्शा बनाओगे और वो कितना लाइन को कवर कर रहा है उसको आप गिनकर बताओगे ठीक है तो चलो देखते हैं हमने एक हाथ की यहाँ नक्शा बनाया है आप आपकी हाथ का नक्शा बनाओगे और गिनोगे चलो देखते हैं देखो बच्चों यहाँ हम एक हाथ की नक्शा बनाया है और वो कितना लाइन तो तक, तक कवर कर रहा है बच्चों तक ठीक है बच्चों देखो ये लाइन तक कवर कर रहा है आपका हाथ का नक्शा भी हाफ बनाओगे और यहाँ आप गिनकर बताओगे कि आपका हाथ कितना लाइन तक है ठीक है चलो अब नेक्स्ट देखते हैं पंकिंस चौपाल पंपकिस जी की चौपाल लुक एट दिक्चर एंड कंपेयर वेजिटेबल आर लाइटर यहाँ क्या दिया गया है बहुत सारे वेजिटेबल दिया गया है और कौन सा वेजिटेबल हेवियर यानी भारी और कौन सा वेजिटेबल लाइटर यानि हल्का है तो चलो पहले हम वेजिटेबल का नाम पता कर लेते हैं कौन कौन वेजिटेबल यहाँ है तो देखो ये मिर्ची यानी चिल्ली ये लेडीज फिंगर यानी भिंडी ये पमकीन कद्दू कॉलीफॉर फूलगोभी कैरेट गाजर कैप्सिकम शिमला मिर्ची वाटरमेलन तरबूज मस्क मेलन खरबूजा और ये रेडिस मूली ये बटल गार्ड मतलब लोकी है ठीक है तो चलो ये सभी का नाम हिंदी और इंग्लिश में हम लिख लेते हैं पहले देखो देखो बटरघाट लौकी कैप्सिकम शिमला मिर्ची कैरेट गाजर कॉलीफ्लावर भी चिली मिर्ची लेडीज फिंगर भिंडी मस्क मेलन खरगोजा पंकीन कद्दू रेडिस मूली वाटर मेलन तरबूज ठीक है हम पता कर लिए नाम सब अब देखो ये मिर्ची क्या होगा बच्चों सबसे हल्का होगा जो लाइट होता है हल्का, lighter मतलब थोड़ा, और लाइटेस्ट और सबसे जो हल्का होता है उसको हम क्या कहेंगे लाइटेस्ट तो मिर्ची क्या होगा बच्चों सबसे हल्का ठीक है देखो ये कद्दू क्या बोल रही है आई एम हेवियर देन बॉटल गार्ड देखो बच्चों ये कद्दू क्या कह रहे हैं आई एमर देन बोटल गार्ड मैंने बोटल गार्ड से भारी हूँ कद्दू भारी होगा बोटल गार्ड से लौकी से और ये देखो ये शिमला मिर्ची क्या बोल रहे हुए आई एम लाइटर देन कॉलीफावर मैं कॉलीफावर यानी फूलगोभी से हल्का हूँ देखो बच्चों अब ये वाटरमेलन को देखते देखो आई एम डैश देन पंकिन मैं पंपकिन से क्या हूँ बच्चों ये क्या होगा लाइटर होगा आई एम लाइटर देन पंपकिन मैंने पंपकिन से हल्का हूँ ठीक है और देखो ये बटन कार्ड क्या बोल रही है आई एम से भारी हूँ ठीक है बच्चों देखो लाइट लाइटर लाइटेस्ट देखो लाइट मतलब हल्का है लाइटर क्या होगा दोनों का बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे लाइटर ठीक है और सबके साथ अगर कंपेयर करके हम बोलेंगे तो लाइट टेस्ट कहेंगे ठीक है देखो यहाँ मिर्ची लाइट टेस्ट यानी सबसे हल्का है और दोनों का बीच में हम कंपेयर करेंगे देखो यहाँ वाटर मेलन और पम्पकिन के बीच में कंपेयर किया गया है तो आई एम लाइटर देन पम्पकिन में पम्पकिन से हल्का हूँ ठीक है और कब कद्दू अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा आई एम ऑफ द ऑल मैं सबसे भारी हूँ देखो होगा कि नहीं ठीक है तो चलो आप देखते हैं वट डू यू थिंक इज हेवियर ए पम्पकिन और वाटर मेलन डिस्कस देखो बच्चों आप इसको सबसे ज्यादा भारी मानते हैं देखो बच्चों हम कद्दू को बहुत बड़ा होते हुए भी, भी हम देखा है तो इसीलिए पंपकिन ही सबसे भारी होगा ठीक है वाटरमेलन मेलन भारी है लेकिन ये कद्दू की तरह नहीं है फिलिंग ब्लैंक्स अब हम ये ब्लैंक्स को भरेंगे देखो बच्चों ये जो डैश दिया गया है वो अपने हिसाब से आप भर सकते हैं इसमें कोई बात नहीं है ठीक है देखो मस्क मेलन इज हेवियर देन कैरोट देखो ये मक्समेलन मेलन से भारी है बच्चों ये कैरेट ठीक है और कैप्सिकम इज लाइटर देन डैश कैप्सिकम किससे लाइटर है बच्चों ना ये फूलगोभी यानी कॉलीफ्लावर से भी हल्का है और रेडिस से भी हल्का होगा और बॉटल कार्ड से भी हल्का होगा है कि नहीं और ये पम्पकिन से भी ये हल्का होगा होगा कि नहीं ये अपना हिसाब से हम लिख सकते हैं तो चलो ये जो सब जो दिया गया है हम अपने हिसाब से लिखे हैं आप आपका हिसाब है से भी ये बदला सकते हैं वेजिटेबल के नाम को ठीक है तो चलो इसको फिलअप कर लेते हैं बी कैप्सिकम इज लाइटर देन कलिफावर और बॉटल इज इजियर देन कैरेट ये कैरेट से ये क्या है भारी है मैं अगर अगर आप चाहते हैं तो आप कैप्सिकम भी लिख सकते हैं कैप्सिकम से भी बॉटल कार्ड भारी है ठीक है देखो कैप्सिकम इज लाइटर देन रेडिश और पम्पकिन इज द है ऑफ ऑल पम्पकिन सबसे भारी है ठीक है चिल्ली इज लाइटेस्ट ऑफ ऑल ये जो मिर्ची है ये सबसे हल्का है बच्चों ये सब जितने सारे वेजिटेबल है आप ये सभी वेजिटेबल को देखे हैं और अपने हाथ में पकड़े होंगे तो आपको पता है ये कौन सबसे भारी है और कौन सा सब्जी सबसे हल्का है ठीक है तो अब चलो नेक्स्ट देखते हैं